हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारा काम है, पैकिंग वैकिंग। मेरी शक्ल देख लो कैसी हो रही है। पैकिंग करनी है और थोड़ा सामान लाना। वो टांगे दिख रही है, सेक्सी टांगे, सेक्सी लेग्स, सेक्सी लेग्स। तो अभी हम जा रहे हैं। जो बैग कल दिया था ना मेरा, वो मेरा ओरिजिनल बैग, वो सिल चुका है गाइस। ये मैं हूँ, चाय भी बाहर धुल चुका है गाइस। ये मैं हूँ, ये मेरा पति है और इसका मुंह धुल चुका है। कुछ दिन यही चलेगा और आप परेशान जाओ। तो इसने अब धो लिया है और तब अब पूरे वहाँ पे मुंह नहीं धोएगा। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी वही पुरानी बुढ़ी है और ये मेरे निक्कर है और ये मेरी गाड़ी भी चल रही है। कैस्पर भी जाएगा क्या? अरे यार चलो यार, चले जल्दी चलो। मेरे तो कपड़े भी धुल रहे हैं अभी। जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल, हम आ रहे हैं। आपको शक्ल से कुत्ता चोर लगती हूँ? तुझे लगती हूँ मैं? बिल्कुल है तू। पता है अभी एक जगह गाड़ी रुकी हुई थी और ये वहां से ऐसी गाड़ी से निकले हुए थे और एक लड़की आई, उसने इसका नाम पूछा। उसने बोला, क्या बोला? उसने बोला कि मेरे भाई के पास भी ऐसे ही डॉग है, तो मैं एक बार चेक कर रही थी कि ये वही है क्या या वैसा ही है, ऐसा कुछ बोला। मतलब वो इनडायरेक्टली मुझे कुत्ता चोर कह गई यार। भाई डॉगी चोर, हम लगते हैं, हम चोर हैं नहीं। नो no. ये देखो ये लो, पास से देखो। हाँ देखो, मैंने बोला ना पास से देखो तो घुस गया कैमरे में। कह रहा लो और देखो, और दिखा ले, और ले। गाइस बैग तो हो गया ठीक और मैं ढूंढ रही चाय। मैं कह रही हूँ चाय और अगला कह रहा है जूस पी लियो। सुबह सुबह कौन खाली पेट जूस पीता है? मतलब पीते हैं, पर मेरे जैसा चाय लवर तो देखो चाय ढूंढेगा ना हर जगह। भाई जूस पी लिया। और देखो मेरे को लगा है दोनों एकदम स्टिल क्यों खड़े हैं। मैंने कोई नहीं, कोई नहीं, कोई ना था। तू ना मेरी बीच मार्केट में बहुत बेइज्जती कर रहा है खाली ब्लॉग के चक्कर में। मैं तो क्या, मैं तो मैंने क्वीन की स्पेलिंग पूछी है भैया। और अब ना, अब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने क्वीन की स्पेलिंग सुन लो इनकी। बुकिंग भी हो गया है। MANI मैनी QUEEN क्वीन, मैंने क्वीन की स्पेलिंग। ये तो जो इसको आती है ना, ये इसने वो बताई है, ये इसकी स्पेलिंग है। हम समझ गए कैस्पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है, सो गोदी से उतर के। यार प्लीज कैस्पर, यही अटैक हुआ था तुझ पे पिछली बार। यही लड़ रहे थे। हैं कि जूस पी ले, बाद में देखेंगे कुछ। जल्दी चल, चाय पीनी थी यार मेरे को। चाय में आग लगा, घर बना ले चाय, जल्दी चल ले जूस पी। कैस्पर को देखिए ना, मुझे भी गाना याद आ रहा है। परी हूँ मैं इसे न छूना, देखना वो नहीं होते बाल खुले होते हीरोइन के, है ना? ला 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 ला। चाय पीने जाने हैं, मैं तो चाय से देख बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ला 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 ला, अपनी जुल्फे वो कर रहा है ऐसे, ये देख देख रहा है, ऐसा लग रहा है बेचारा बैठ के कोई ये सोच रहा है, अरे यार अब आगे जिंदगी में क्या करूँ, है ना? अब क्या मकसद है मेरा, कौन से स्कूल जाऊँ, किससे शादी करूँ। याद आया पैकिंग में मुझे सनस्क्रीन भी लेनी है, जिसके लिए मैं आई हूँ अपनी वही आंटी वाली शॉप पे। पर देखते हूँ खुली हुई है या नहीं, बिना कुछ आ गई वैसे। इतनी सारी सब्जियाँ दिख रही होंगी मेरे पीछे आपको, है ना? सब्जी मार्केट नहीं है ये, हमारा पुराना सेक्टर 23 है। कौन सा डोज? देखो इसकी एक बाप वाली ड्यूटी दिखाती हूँ। एक अच्छे बाप होने की निशानी, अच्छे बाप की निशानी, ये खुला है आज। आज हम कैस्पर का पट्टा भूल गए, पता नहीं उसको सुसु पॉटी क्या आया, मैं कुछ नहीं पता। मी होम इस पे लिखा है तो इसको मैं फाइनली लेके जा रही हूँ। और ये कुछ ट्रिप के लिए मैंने सामान लिया है, बहुत जरूरी सामान। ये इसका सालों पुराना ठीक रहता है, स्क्रब वाला काम करता कई बार। हाँ एंड ये नो प्रमोशन है ये फ्री तारीफ है। और ये हमारी आंटी गाइस, पीनी तो चाय थी जैसा बोला था, लेकिन वो धूप इतनी है, गर्मी इतनी है ना, ऊपर से मैं ये स्वेटशर्ट और पहन रही, बहुत गंदी गर्मी। और इस बार मिड फैब से ही गर्मी आ गई, देख रहे हो? अभी मतलब फैब भी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी से इतनी गर्मी आ गई। चिप्स उठाने हैं, जल्दी चल ले, ट्रिप के लिए चिप्स भी लेना है। चल चल, धक्का मार मार के जाना पड़ता है इसको, कहीं भी रुक जाती है। प्यार 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 धक्का मार, ये इतना वो है ना, मतलब अगर इसको मैं बोल दूँ ना कि मेरे को ये लेना है वो लेना है, तो अरे चलना चल चल जल्दी चल जल्दी चल। और कैस्पर के लिए रुक के आइसक्रीम लेके आया है, वैसे लड़के ने मांगी है, प्यास लग रही है। हाँ इसने गाली बकी हमें कि साला मेरे को कुछ नहीं दिलवाते हो तुम, दिलवा मेरे को आइसक्रीम। देख रहे हो, देख रहे हो पार्शियलिटी कितनी चल रही है।
और मैं ना हाथ में मेरिंडा दिखा के कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं दिलवाता। शिट यार, सॉरी गाइस। ले ओ, ले ओ, ले। ये कैस्पर है, वो उसकी आइसक्रीम है और यहाँ पे कैस्पर की पारी हो रही है। पारी हो रही है, ऐसी चलेगी कई दिन, ये डायलॉग चलेगा हमारा। पारी चल रही है। तो कैसी जीप लप लप आई, कैसी हो? कैसे हो? देखो देखो देख देख के ले, बोल दे दो यार, ले यार दे दो। इसकी अब संतरे वाली हो जाएगी। अच्छा तुझे मैं ले ही नहीं रही फुटेज में, कैस्पर आ रहा है जूम में पूरा मस्त। ले यार कितना मजा आ रहा है, केचू ले यार दे दो ना पापा प्लीज प्लीज। अब इसकी संतरे वाली हो जाएगी यार। ये क्या हो रहा है यार, जिंदगी के मजे से आ गया तो। ले अब तो रोज आया करूंगा बाल इनके साथ। ये तो मस्त पार्टी करवाते हैं मेरी, ये सही आदमी है। मैं तो उन्हें ऐसे ही राक्षस सोचता था, ये छह लोग है बेचारे। जो सोच रहे हैं ज्यादा खिलाएंगे, ज्यादा नहीं थोड़ी खिलाएंगे, फिर ऊपर की बस हल्की सी। इतना तो डॉक्टर ने बोल रखा है इसको। अब इसके बाद फिर हम चिप्स भी लेने हैं। जल्दी कर ले कैस्पर, जल्दी कर ले प्लीज। कैस्पर कह रहा है नो, यहाँ मेरी फाड़ी हो रही है। कैस्पर प्लीज जल्दी कर ले। नो पापा प्लीज। साले चुप हो जाना। मजे लेने दे यार प्लीज, मजे लेने दे। गाइस देखो ऑल पास देखो, देखो हमारी गाड़ी है और हमारा जॉजी है और हमारा पैकिंग सामान नहीं हो रही है, पार्टी नहीं हो रही है भाई। कल ट्रिप के लिए जयपुर निकलेंगे ना कल, तो उसके लिए सामान ले लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, ये भैया रेडबुल। सुबह 7 बजे पियेंगे तभी जाके 5-6 घंटे ड्राइविंग हो पाएगी, 4-5 घंटे। कैस्पर कह रहा है मैं भी पी लूं, मैं घर पे कबूतर पकड़ूंगा भाई साहब। मुझे दो। कह रहा मैं कबूतर पकड़ूंगा वहाँ पर भाई साहब। फुल शॉपिंग बस एक ही लिए, मेरे को क्या बुरी लगती है? तेरे को नहीं मिलेगी, तू अपना ये भाई साहब। ये तो नींबू पीती है ये पता नहीं कौन से जमाने के नींबू, कॉलेज में पीते थे हम ये। यस तुम क्या जानो हमको। और बाकी फ्रूट व्रूट ले लिए भाई, माय फेवरेट चीज भाई नाचोस। ट्रिप पे जाओ ना तो थोड़ा सा कम तला हुआ खाओ, नाचो थोड़े कम तले होते हैं। कुरकुरे और वो नहीं लिए, मेरा मन तो ओएस लेने का था। कैस्पर निकल नहीं रहा डिग्गी में से। अरे चलो कैसू आज घर चलते हैं, पार्टी करेंगे। इतना बेशरम है, मतलब कल जा रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि दाढ़ी बढ़ रही है, बाल कटवाने हैं, ज्यादा ही पागल हो गया। दिखाऊं कैसा हो रहा है अभी? वो तो नॉर्मल वैसा ही रहा डेली जैसा। बहुत स्मार्ट हूं। कितना घमंड नहीं कर रहा इस बात पर? तो ये एंगल बदल बदल के क्यों दिखा रहा है? तभी तो लोगों को लगे ना दाढ़ी अच्छी लग रही भाई, अच्छी लग रही दाढ़ी, बता देना। नहीं ये जबरदस्ती कटवा रही यार। नहीं नहीं कटवा के ठीक करवा के, ठीक करा, हल्की करानी कह रही है। तेरे पूरी दाढ़ी हुआ, बस यहाँ एक सफेद बाली अलग से दिखता है। ये हमारी निशानी जिंदगी की, हमारा बुढ़ापा आ गया। एक्सपीरियंस, दिस इज लाइफ एक्सपीरियंस। पैकिंग वो देख रहे हो, सूटकेस उतार दिया है, पैकिंग शुरू हुई, पैकिंग नहीं करी अभी। आप घर बता दियो अगर काम नहीं किया। हे गाइस ये मैं हूँ, ये मेरा खाली बैग है और यहाँ पे पैकिंग हो रही है। छोड़ो यार ये देखो खाली पड़ा हुआ, अभी कर के आ रही हूँ मैं, पता है इतनी देर से। सब अपना मेकअप बहुत ज़रूरी है। देखो आज आपको एक पैकिंग दिखाती हूँ सबसे, ये जो कि एक मेरे बैग में, एक ऐसे बैग होता है जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसमें अभी मेडिसिन मिसिंग है, मतलब नॉर्मली अगर मैं जाती हूँ तो वो मेडिसिन वगैरह कुछ रख लेती हूँ, मतलब नॉर्मल वाली, मतलब हेडेक हो या स्टमक एक हो कोई भी, हमेशा वेट वाइप्स, इतने सारे हेयर पिंस, और ये है बाकी का मेन जो मेकअप है ना। तो हमेशा बैग के अंदर बैग, मुझे नहीं पता बाकी होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के बैग में जो एक छोटा सा पाउच मिलेगा उसमें बहुत ज़रूरतमंद की चीज़ होती है। मतलब यार लड़कों का सही है, दो कपड़े डाले इसमें, दीपक का ना खाली ये वाला होगा, बाकी सब ये मेरा है। लड़कों का सही है ना, जीन्स एक या दो डालेंगे उसके बाद बस एक दो टी शर्ट डाल लो। लड़कियों की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सही बताऊँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब 2 nights 3 days ऐसे हो जाएगा। 3 days भी क्या, कल जाके परसों रुकना है देन नेक्स्ट डे वापस। ये बैग है और फुटवेयर्स नहीं आ रहे तो उसके लिए अब ये भी बैग जाएगा। इतना सारा सामान है, दीपक मुझे भी यही बोल रहा, अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं इतना क्या भर के लेके जा रही है। और पता ही है ना लड़कियों का, 36 चीज़ें, आधी चीज़ें तो मैंने ऐसे कन्फ्यूज में रखी, अच्छा ये नहीं अगर ये पहनना हुआ तो, समझ रहे हो। अब देखती हूँ क्या रखा है, बस रख लिया अब जो भी पैकिंग हुई है, अब वहीं खोलूंगी, उससे पहले दिखाऊंगी नहीं दीपक को, वरना वो आधे ज़्यादा सामान निकलवा देगा इसमें। फाइनली पैकिंग डन, 2 दिन 2 बैग और हैंड बैग, और आई थिंक दीपक भी कुछ ना कुछ एक बैग ज़रूर, और सबसे ज़रूरी जो मुझे बोला था दीपक ने, देख रहे हो ये गाड़ी में हवा भरने के लिए। दीदी आज साड़ी में है, मेरे से तो मेन फुटेज मिस हो गई, ऐसे मिल रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन बाद मिला है ना, और वैसे नहीं आता। कैचू क्या हो गया? चलो अभी खुजली कर लूँ, बिजी हूँ थोड़ा सा, खुजली कर लूँ। ये ऐसा हो रहा है वरना, देख रहे इतने दिन से उठ के भी नहीं आ रहा था बाहर, इसको लग रहा है साड़ी में पता नहीं क्या कहाँ से आई है। पूरी मस्ती में अभी हाथ
देख लो हाथ से खेल रहा है हाथ से। हाँ बेटा पकड़ो पकड़ लो बाहू। तो भाई अब रात के 1:30 बज रहे हैं और हम सोने जा रहे हैं क्योंकि सोना पड़ेगा तभी हम सुबह 6 बजे उठना है। मैं तो गाड़ी में भी सो सकती हूँ। देख 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 6 बजे उठ जाएंगे हम और 6 बजे उठते तैयार होकर 7 बजे तक हमें जयपुर के लिए निकल जाना है। तो भैया अब आराम से जल्दी से हम सोते हैं और आपसे अब हमारे आगे के ब्लॉग आएंगे जयपुर से। तो भाई साहब जुड़ रहे हैं महीनों भर के आएंगे भाई साहब पूरे 3-4 ब्लॉग आएंगे वहाँ के जयपुर के। तो भाई नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब ठोक दो अभी से और नोटिफिकेशन ऑन कर लो भाई साहब। एंड सैडली पिछले 2-3 ब्लॉग में कैस्पर नहीं मिलेगा। अब 2-3 ब्लॉग में कैस्पर नहीं आ पाएगा कैस्पर एब्सेंस में कुछ अगर कुछ कुछ इसकी हरकतें डाल दिया करेंगे हम पापा के वहां। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय हैव अ गुड डे टेक केयर लव यू ऑल बाय।